अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। सोमवार को फिल्म ने यह अहम पड़ाव पार किया। गोल्ड को 100 करोड़ पार करने में 13 दिन का वक्त लगा। 26 अगस्त को दूसरा वीकेंड खत्म होने के बाद गोल्ड ने 99 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 100 करोड़ के लिए इसे बस 1 करोड़ की जरूरत थी, जो 13वें दिन यानी 27 अगस्त को मिल गया। फिल्म ने 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया और इसके साथ ही गोल्ड का 13 दिनों का कलेक्शन 1.45 करोड़ हो गया है। 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली अक्षय कुमार की यह 9वीं फिल्म है। अगर अक्षय की इस उपलब्धि की तुलना बाकी स्टार्स से करें तो 100 करोड़ क्लब के बॉस सलमान खान हैं, जिनकी 14 फिल्में इस क्लब की सदस्य हैं। अजय देवगन की 8, शाहरुख खान की 7 और आमिर खान की 5 फिल्में 100 करोड़ क्लब में हैं। रणबीर कपूर की 4 और ऋतिक रोशन की 3 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस किया है। अब अगर 100 करोड़ क्लब में एंट्री में लगने वाले दिनों की बात करें तो अक्षय कुमार सबसे तेज 100 करोड़ बनाने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके हैं। अक्षय की रुस्तम 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली सबसे तेज फिल्म है, जिसने 9 दिन लिए थे। एयरलिफ्ट ने 10, राउडी राठौड़ ने 11, जॉली एलएलबी 2 ने 12, हाउसफुल 3 ने 13, हॉलीडे ने 15, हाउसफुल 2 ने 17 और टॉयलेट एक प्रेम कथा ने 28 दिन 100 करोड़ क्लब तक पहुंचने में लिए। तेलुगु फिल्म बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन भी इसमें शामिल है, जिसने 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। संजू ऐसा करने वाली 10वीं फिल्म थी। आश्चर्यजनक रूप से ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और अजय देवगन की एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसने रिलीज के 3 दिनों में 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा छुआ भी हो। अगर 2018 में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली गोल्ड 8वीं फिल्म बन गई है। इससे पहले जिन फिल्मों ने इस क्लब में एंट्री ली है वो इस प्रकार हैं।